झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत कई टेंडरों का नहीं हुआ निपटारा, 50 योजना होंगी रद्द। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 50 योजनाओं के टेंडर का निपटारा नहीं हुआ है। टेंडर निपटारा कर इसका कार्यदेश ठेकेदारों को देना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। टेंडर निकालने के बाद भी इसके निपटारे का मामला लटका रह गया है। ठेकेदारों के टेंडर में भाग नहीं लेने के कारण ऐसा हुआ है। वहीं कहीं कहीं अन्य दूसरे कारणों से भी टेंडर रद्द करना पड़ा। ऐसे में फिर से कई टेंडर जारी किए गए हैं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1180 विद्यार्थियों का चयन, मिलेंगे 10,000 रुपये। झारखंड के 1180 विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। रांची के विद्यार्थी आइडिया देने के मामले में सबसे आगे हैं, इसलिए सबसे अधिक 286 छात्रों का चयन इस जिले से किया गया है। बोकारो से 166 छात्रों का चयन हुआ है। यह जिला दूसरे स्थान पर और देवघर तीसरे स्थान पर रहा, जहां 107 बच्चों का चयन किया गया है। गिरिडीह से 47, साहेबगंज से 6, जामताड़ा से 11, गोड्डा से 12, पाकुड़ से 15 सहित अन्य जिलों से छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। जिले के कई सरकारी व निजी स्कूलों के छात्रा का चयन हुआ है। यह खबर है जमशेदपुर से। दाऊद इब्राहिम का वह साथी जो 24 साल से फरार था, जमशेदपुर में पकड़ा गया है। अब खुलेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन के कई राज। 24 साल से फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी अब्दुल माजिद कुट्टी को गुजरात एमटीएस के टीम ने जमशेदपुर में गिरफ्तार किया है। दाऊद के करीबी की गिरफ्तार से अब संभावना बढ़ गई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन के कई राज खुलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मानगो के एक घर से अब्दुल माजिद कुट्टी की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 24 साल से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वहीं अपनी पहचान छुपाकर जमशेदपुर समेत अन्य स्थानों पर रहकर पुलिस से बचाता फिर रहा था। डॉक्टर उरांव बोले, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगा धान की खरीद। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में धान क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई है। सभी केंद्रों में धान क्रय किया जा रहा है। इस साल गत वर्ष की तुलना में अधिक धान की खरीदारी की जाएगी। मंत्री ने कहा है कि सरकार ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया और विकास को गति दी है। 25 मार्च को कोरोना काल शुरू होने के बाद लोगों को सबसे अधिक जरूरत अनाज और रोजगार की थी। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने गांव अपने घर वापस लौट रहे थे, उनको रोजगार की सख्त आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने जनता को रोजगार और अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। डॉक्टर उरांव ने कहा 29 दिसंबर को राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष हो जाएगा। इन्होंने व्यापारियों को बताया नाग तो उबले कारोबारी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से व्यापारी खपा है। दरअसल दास ने किसानों से जुड़े 3 कानून के समर्थन में लिखे अपने एक लेख में कुछ ऐसा लिखा है, जिससे लगता है कि व्यापारियों को माफिया और नाग सांप की संज्ञा दी गई है। इसी के विरोध में व्यापारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दास के इस कृत्य की शिकायत भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की गई है। यह खबर है धनबाद से। एना परियोजना में हाईवा ने नहीं कराई एंट्री, पकड़ाने के बाद रेस हुई पुलिस व CISF। एना परियोजना में शनिवार की देर रात कोयला लदे 2 हाईवा धराए, देखते ही देखते यह सूचना आग की तरह क्षेत्रों में फैल गई। BCCL अधिकारी CISF और पुलिसिया जांच में दोनों हाईवा सहित पाए गए हैं। भूलवश BCL के खाते में एंट्री कराया चालक भूल गए थे, जबकि अन्य जगह पर इन और आउट दोनों की एंट्री है। बुरारगढ़ OP पुलिस ने भी गहन जांच में दोनों हाईवा को सही पाया। बाद में दोनों हाईवा को गंतव्य तक जाने के लिए छोड़ दिया गया। एना कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी AK मिश्रा का कहना है कि मैंने ही दोनों वाहन को रुकवाया था। जांच के बाद कागजात और वह दोनों वाहन सही पाए गए हैं। इसके बाद दोनों वाहनों को जांच का आदेश दिया गया। हेमंत सोरेन देंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस विषय पर व्याख्यान, बनेंगे ऐसा करने वाले झारखंड के पहले CM। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 फरवरी 2021 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन व्याख्यान देंगे। मुख्यमंत्री को यह आमंत्रण हार्वर्ड केनेडी स्कूल के सीनियर फेलो सूरज यंगड़े की ओर से भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री झारखंड में आदिवासी अधिकारियों का सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का व्याख्या देंगे। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री होंगे।
अगले वर्ष 18 से 21 फरवरी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 18वें एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस होना है। इस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा जगत, उद्योग, व्यवसाय, नीति निर्माता और सरकार से जुड़े करीब 1000 लोग जुड़ेंगे। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, पड़ेगी हाड़ कपाने वाली ठंड। देश के कई इलाकों में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है और शीतलहर भी चल रही है। देश के कुछ राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पहुंचने वाला है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। ये लोग मुझे पालघर की तरह मार डालेंगे, महाराष्ट्र में राम मंदिर के साथ साधु पर हमला। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधु और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग को लोग अभी तक भूले नहीं है। इसी बीच महाराष्ट्र में अब एक और ऐसा मामला सामने आया है। औरंगाबाद में राम मंदिर के एक साधु पर 25 लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया और जमकर पिटाई की। ये घटना पेठन तहसील के जामली गांव की है। यहां के मंदिर में गणेशपुरी सिंधे नामक एक साधु रहते हैं, उनकी पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एटीएम से जा रहे पैसा निकालने तो जान ले ये बात, नहीं तो बैंक को देना पड़ेगा कितना चार्ज। क्या आप भी एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं तो अपने खाते का बैलेंस जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर आप बिना बैलेंस चेक किए अपने खाते से पैसा निकालेंगे और बैलेंस होगा तो आपको इसके लिए बैंक को पैसा चुकाना पड़ सकता है। बता दें कि कई बार ग्राहक खाते में कम पैसा होने पर भी एटीएम से ट्रांजेक्शन करने लगते हैं और ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को बैंक का पैसा चुकाना पड़ता है। दरअसल बैंक कम बैलेंस के कारण फेल हुए एटीएम ट्रांजेक्शन पर चार्ज वसूलते हैं। फिर कांपी धरती, जोरदार झटकों से डरे लोग घरों से निकलकर भागे। देश के अलग अलग राज्यों में आए दिन भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बार बार भूकंप आने की वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया है। भूकंप ने वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया है। देश और विदेश के वैज्ञानिक शोध करने लगे हुए हैं कि भूकंप इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रही है। अब इस बीच अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने में इसकी तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र चांगलोंग में था। तड़के 3:18 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसान आंदोलन पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने धमकी, लाशों के ढेर लगाएंगे। नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन को लेकर कांग्रेस किसानों को बरगलाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलन में सियासत को देखकर किसान इससे किनारा करने लगे हैं। ऐसे में किसानों को एक बार फिर से भड़काने के लिए पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को धमकाते हुए कांग्रेस सांसद बिट्टू ने कहा कि 1 जनवरी 2021 के बाद हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी देंगे, हम इसके लिए कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। 1 तारीख के बाद हम नई प्लानिंग के साथ आएंगे। कुंभ मेला 2021 48 दिनों का होगा हरिद्वार कुंभ, इतनी बेहतर होगी व्यवस्था। हरिद्वार में अखाड़ों के संत चाहते हैं कि कुंभ की तैयारी साल 2010 की तरह हो। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि कुंभ बेहतर से बेहतर होगा, पर 2021 का कुंभ 2021 की तरह ही होगा। वो कोरोना के खौफ के बीच जानकारी के मुताबिक अखाड़ा परिषद का कहना है कि मेले की व्यवस्था 2010 की तरह होनी चाहिए, जहां संत भी आएंगे, कैंप भी लगेंगे और स्नान भी होगा। इसी पर सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की तरफ से साफ किया है कि 2021 की तुलना किसी दूसरे कुंभ से नहीं कर सकते, इसलिए 2021 का कुंभ 2021 की तरह होगा, वो भी बेहतर से बेहतर। पीएम मोदी का नए साल में देशवासियों से आग्रह, भारत में बने उत्पादों के इस्तेमाल का ले संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले विदेशी में निर्मित वस्तुओं के विकल्प के रूप में मौजूद भारतीय उत्पादों को अपनाने की अपील की है। कहा है कि उन्हें देश के लिए इसे नव वर्ष के संकल्प के तौर पर लेना चाहिए। गौ माता को ठंड से बचाने के लिए कैदियों ने तैयार किया कोट, मन की बात में प्रधानमंत्री ने की तारीफ। कहते हैं कि इंसान का कर्म ही समाज में उसकी जगह तय करता है। इसी बात को आत्मसात करके को स्वाई जेल में
सजा याफ्ता कैदी व अन्य कैदी अपने आप को सुधारने में जुटे हैं और इस जन्म में पाप धोकर साफ सुथरी जिंदगी गुजारने की चाल लेकर गौ माता से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात में कौशांबी जिला जेल के कैदियों की इस प्रयास की जमकर सराहना की है। हमारे देश की युवाओं में कैन डू की अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है, मन की बात में प्रधानमंत्री ने बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस साल की आखिरी मन की बात देश के साथ साझा की। देश की युवाओं की क्षमता और कार्य शैली की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश के युवा अब कुछ कर गुजरने को तैयार है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के लिए कुछ अच्छे प्रयास की भी चर्चा की। आइए पढ़ते हैं मन की बात का पूरा ड्रॉप। शिवसेना के साथ पर बोले कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, हमारा गठबंधन केवल महाराष्ट्र तक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने रविवार को कहा कि शिवसेना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा नहीं है और दोनों दलों के बीच गठबंधन महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इससे पहले शनिवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नित्य सदस्य के विस्तार की बात कही थी। 2030 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के बीच एक ऐसी खबर आई है, साल 2025 तक भारत एक बार फिर दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ब्रिटेन 6ठे नंबर पर हो जाएगा। रिपोर्ट का अनुमान है कि इंडियन इकोनॉमिक तेजी से रिकवर करेगी। इसके अलावा साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी के इन दस्तावेजों की वैधता अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ी। कोरोना वायरस का ध्यान में रखते हुए रविवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों को वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इस तरह आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागजात, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता इन दिनों में खत्म हो रही है तो अब तक हुआ 21 मार्च तक वैध माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने वाला है कदम है जिनकी वैधता फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही थी या हो चुकी है। पीएम किसान का ले रहे हैं लाभ तो केसीसी बनवाना बहुत आसान, आनाकानी करे बैंक तो इस नंबर पर करे कंप्लेन। मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट बनवाना बेहद आसान है। अब सरकार ने इन योजना के किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया है, यानी जिन जिन किसानों को सरकार 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये दे रही है उन्हें केसीसी बनवाना आसान होगा। केसीसी धारकों को 4% तक 3,00,000 रुपये तक का लोन मिलता है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड हेल्प लाइन नंबर 01206025109 तथा 155261 और के माध्यम से हेल्प डेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं। मंदी भाव, सरसों मूंगफली सोयाबीन तेल में तेजी, अरहर दाल हुई सस्ती। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों मूंगफली सोयाबीन बिनौला तथा सीपीओ एंड पामोलिन तेल कीमतों में सुधार दर्ज हुआ। वहीं इंदौर के सहयोगी दागंज अनाज मंडी में शनिवार को तुअर के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की कमी हुई है। बाजार सूत्र के अनुसार बृहस्पतिवार रात शिकागो और मलेशिया एक्सचेंज में तेजी के समाचार का असर स्थानीय कारोबार पर भी दिखाई दिया। अब खबर खेल जगत से। आईसीसी की दशक टेस्ट टीम के कप्तान विराट, वनडे और टी20 के कप्तान धोनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मौजूदा दशक की अपनी सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट, वनडे और टी20 टीमों की घोषणा की है। भारत के विराट कोहली जहां टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं महेंद्र सिंह धोनी को वनडे तथा टी20 टीमों का कप्तान बनाया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।